पर एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप अपने इस चैनल कोड IndianV40 यूज़ करते हो तो आपको सीधा 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसे हो आप सब? देखो, वर्तमान में कौन क्या है, करंट अफेयर के 35 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज इस वीडियो में। उससे पहले कुछ बात करना चाहता हूँ, वो सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप छोड़ के मत जाना, पूरा जरूर देखना। इसलिए क्योंकि इस बार पेपर आपका टफ आने वाला है, मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, थोड़ा तो टफ आएगा ही आएगा। क्योंकि यार मान लो, देखो सिंपल सी चीज़ समझो, मान लो आपका पेपर 10 नंबर का है, ठीक है, और कट ऑफ आपकी 8.5-9 तक ऑलरेडी पहुंच गई है, ठीक है, तो अब क्या कट ऑफ 10 जा सकती है, या फिर क्या कट ऑफ 11 जा सकती है? ऐसा तो है नहीं कि 10 नंबर का पेपर है, कट ऑफ 11 चली जाएगी, है ना। तो उस सिचुएशन पे क्या किया जाएगा कि आपका पेपर टफ बनाया जाएगा। टफ में देखो, जो आपका हिस्ट्री है, जो भूगोल है, वो तो ऐसे टॉपिक है, वो तो वही रहेंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं, करेंसीज वगैरह क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं, इसीलिए करंट अफेयर आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। मैं कुछ भी उठा के दे सकता था, लेकिन अच्छा टाइम लिया थोड़ा सा और एक अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। वर्तमान में कौन क्या है करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इसके बाद एक और करंट अफेयर क्वेश्चन की वीडियो आएगी जिसमें सभी स्टेट के गवर्नर्स होंगे, पिछले बैच में गवर्नर्स पूछे गए हैं इसलिए उनको याद करना जरूरी है। इसके बाद सीएम भी पूछे गए थे पिछले बैच में, तो वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, देखो नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब कर लेना, पता नहीं आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, AAI के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अरविंद सिंह। अब आता है यहाँ पे AAI। AAI क्या होता है? तो AAI का फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दो। अगर आपको इनमें से किसी के जवाब आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट है, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सभी को पता होगा के सिवान। इसरो का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है रजनीश कुमार, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, NHAI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? जो NHAI के जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो है सुखवीर सिंह संधू, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अब आता है NHAI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नई प्रमुख कौन बनी है? तो देखो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का शॉर्ट फॉर्म होता है IMF, और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। की नई प्रमुख जो बनी है वो है क्रिस्टलीना जॉर्जिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स है, RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो देखो, RBI के जो वर्तमान गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ठीक है। चलो सेवन नंबर देखो, सेवन नंबर है, हमारे देश के नए गृह सचिव को नियुक्त किए गए हैं, कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखो, यहाँ पे गृह मंत्री नहीं पूछा जा रहा है, ध्यान रखना, गृह सचिव पूछा जा रहा है। तो हमारे देश के जो नए गृह सचिव नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है अजय भल्ला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, और जो हमारे गृह मंत्री हैं वो हैं आपके अमित शाह, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है, हमारे देश के रक्षा सचिव, रक्षा मंत्री नहीं पूछा जा रहा है, रक्षा सचिव पूछा जा रहा है, तो रक्षा सचिव जो है वो है आपके अजय कुमार, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, और जो आपके रक्षा मंत्री हैं आपको पता होगा राजनाथ सिंह है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन, BCCI के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो सौरभ गांगुली, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, जो BCCI के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये होता है आपका BCCI का फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? गाइज एक काम क्या करो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो यार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो, अगर थोड़ी बहुत कुछ कमी लगती है तो वो भी आप बताया करो, है ना। नेक्स्ट है, भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो सभी को पता होगा, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, इसका सही जवाब है शरद अरविंद बोबड़े, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। थोड़ी सी मिस टाइपिंग मिलेगी लेकिन मैं आपको सही बताऊंगा, ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े। इससे पहले थे आपके रंजन गोगोई, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, BCCI के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो देखो, BCCI के जो नए सचिव हैं वो आपके जय शाह को नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका
सही जवाब है। नेक्स्ट देखो 12 नंबर है, हमारे देश के केंद्रीय कानून सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो केंद्रीय कानून सचिव के रूप में जिसे नियुक्त किया गया है वो है अनूप कुमार मेंदिरत्ता, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, हमारे देश के नए कैबिनेट सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? कैबिनेट सचिव पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब है राजीव, ये क्या लिखा है, गोवा, गोवा तो नहीं है, गौसा है पता नहीं, जो भी है तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा राजीव। नेक्स्ट देखो 14 नंबर है, UIDAI के नए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका पंकज कुमार को UIDAI के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आता है UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखो UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, समझ गए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका SSC के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जो SSC के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो है ब्रजराज शर्मा, और SSC का जो फुल फॉर्म होता है आप सभी को लगभग पता होगा, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो देखो जो राज्यसभा के महासचिव हैं वो है देश दीपक वर्मा, ऑप्शन नंबर डी इसका सॉरी सी इसका सही जवाब है। ठीक है नेक्स्ट देखो 17 नंबर है आपका, पंजाब नेशनल बैंक PNB के नए प्रबंधक निदेशक MD, ठीक है, और कार्यकारी अधिकारी CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO जो नियुक्त किए गए हैं वो है मल्लिका अर्जुन राव, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर है, NSG के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए हैं? तो अनूप कुमार इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, जो ये NSG के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, और NSG का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, SBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है? ये आपको बताना है। 19 नंबर है, तो जो SBI के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर है वो है आपके रजनीश कुमार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है नेक्स्ट देखो 20 नंबर क्वेश्चन है, PIB के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? अब ये PIB क्या होता है, तो देखो PIB का फुल फॉर्म होता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, और इसके जो नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं वो है आपके KS धतवालिया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, राज्यसभा के विपक्ष नेता कौन है? चार ऑप्शन है, और राज्यसभा के जो विपक्ष नेता हैं वो है गुलाम नबी आज़ाद, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। चलो नेक्स्ट देखो 22 नंबर है, वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो वर्तमान में जो महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है वो है आपकी रेखा शर्मा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका लोकसभा के महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो लोकसभा के जो महासचिव नियुक्त किए गए हैं वो है स्नेहलता श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर डी इसका सही किया गया, स्नेहलता श्रीवास्तव को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो जो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो है अजीत डोभाल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, ये देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। ठीक है नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, LIC के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जो LIC के नए चेयरमैन हैं वो आपके हैं MR कुमार, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो LIC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, हमारे देश के दशे के महान न्यायवादी, सॉरी ये कुछ थोड़ा सा मिक्स टाइपिंग, देखो हमारे देश के इतना हटा दो, अटॉर्नी जनरल कौन है? हमारे देश के अटॉर्नी जनरल कौन है? अटॉर्नी जनरल को महान्यायवादी भी बोलते हैं, तो हमारे देश के महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल कौन है? तो सही जवाब है इसका KK वेणुगोपाल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, हमारे देश के आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो जो हमारे देश के आर्थिक सलाहकार बने हैं, चार ऑप्शन है, इनमें आपको बताना है, और इसका सही जवाब है कृष्ण
मूर्ति सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर बीस का सही जवाब है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 28 है, रसायन व उर्वरक मंत्री किनको नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है डीवी सदानंद गौड़ा को रसायन व उर्वरक मंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, देश के 14वें वित्त आयोग 2015 से 2020 के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब है डॉक्टर वाई वी रेड्डी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, देश के 15वें वित्त आयोग 2020 से 2025 के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसका जो सही जवाब है वो है एनके सिंह, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसे बोलते हैं NIA, NIA का फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी भी कहते हैं, कि अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो आपके वो है YC मोदी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड SEBI के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है वो है अजय त्यागी, ऑप्शन नंबर डी। SEBI का फुल फॉर्म क्या होता है, मैंने अभी आपको फुल फॉर्म पढ़ाया है तो उसमें आपको दो बार ये फुल फॉर्म रिपीट करा है, एक बार प्रैक्टिस सेट में भी था। तो चलो कमेंट बॉक्स में बताओ जो लोग यहाँ तक आए हैं, SEBI का फुल फॉर्म क्या होता है, वीडियो को पोस्ट करो, फुल फॉर्म लिखो, फिर वीडियो को ऑन करो। नेक्स्ट है आपका, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन बने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मुश्ताक, यहाँ पे मुश्ताक होगा, ठीक है, मुश्ताक अहमद जो है वो आपके हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो 34 नंबर है, वर्तमान में हमारे देश के गृह मंत्री कौन है? वर्तमान में हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं वो आपको पता होगा, सभी को लगभग पता होगा जो गृह मंत्री हैं वो कौन है, मैंने ऊपर ही बताया था। तो चलो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि वर्तमान में हमारे देश के गृह मंत्री कौन है। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में हमारे देश के वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री आपको, अच्छा मैंने नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ, वर्तमान में हमारे देश के जो वित्त मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, तो बस 35 क्वेश्चन थे जो आज के इस वीडियो में थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।